की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी और वो हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर महीने की चौथ पर वो 5 लड्डू बनाती थी, एक चौथ माता के लिए, एक चौथ विनायक जी के लिए और एक अपने बेटे को खिलाती, एक गाय को दान कर देती और एक स्वयं खाती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ आई और उसका बेटा पड़ोसन के घर गया तो उसने देखा कि उन्होंने चूरमा बना रखा था। तो बेटे ने पूछा तो पड़ोसन बोली कि आज वैशाख महीने की चौथ है इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो बेटे ने बोला कि मेरी माँ तो हर महीने चौथ का व्रत करती है, हर महीने चूरमे के लड्डू बनाती है। तो पड़ोसन बोली कि तेरी माँ कोई चूरमे के चौथ का व्रत थोड़ी करती है, तेरी माँ को तो घी खाने की आदत है इसलिए वो हर महीने चौथ ये चूरमे के लड्डू बनाती रहती है। बेटा पड़ोसन की बातों में आ गया और घर आकर अपनी माँ से बोला कि माँ ये हर महीने क्या चौथ का व्रत करती हो, तुम ये जो घी खाती हो ना ये मत खाया करो और मुझे तो बस तुम एक लड्डू देती हो। तो माँ ने बोला कि बेटा मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए ही ये व्रत करती हूँ। तो बेटे ने बोला कि अगर तुमने व्रत नहीं छोड़े तो मैं विदेश चला जाऊँगा। माँ ने बोला कि तुम अगर विदेश जा रहे हो तो इस पोटली में चौथ विनायक जी के और चौथ माता की आंखें हैं, ये अपने साथ ले जाओ। जब भी तेरे सामने कोई संकट आए तो इन आंखों को चौथ माता का नाम लेकर डाल देना, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। बेटा आंखों की पोटली लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे खून से भरी नदी नदी मिली तो नदी को पार करना असंभव था। उसने पोटली में से एक आंखा निकाला और नदी में डाल दिया और बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्ची हो तो ये नदी दूध और जल से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। तो नदी दूध और जल से भर गई और उसको रास्ता मिल गया। आगे वो एक जंगल में गया। जंगल में एक शेर था। शेर उसकी तरफ दहाड़ा तो उसने क्या किया, पोटली में से एक आंखा निकाला और आंखे को शेर की तरफ फेंक दिया। शेर पीछे हट गया। उसके बाद वो एक गांव में पहुंचा। एक गांव में एक बूढ़ी माई आटा पीस रही थी और रो रही थी। तो उसने पूछा कि हे माई तुम रो क्यों रही हो। तो माई ने कहा कि हमारे गांव में राजा के यहाँ अलाप पकता है, उसमें एक इंसान की बलि दी जाती है, आज मेरे बेटे की बारी है इसलिए मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ। तो उसने बोला कि हे माई आज तुम मुझे जल्दी से खाना डाल दो, तुम्हारे बेटे की जगह मैं अलाप में जाऊँगा। तो उसने खाना खाया और जाकर अलाप में बैठ गया। अगले दिन अलाप पककर तैयार हुआ तो सैनिक आए और अलाप को उतारने लगे तो उसने अंदर से आवाज़ दी कि धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। वो अंदर से बाहर निकला तो सैनिकों ने ये बात जाकर राजा को बताई। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा आया और उसने देखा और उसने उससे पूछा कि तुम अंदर बच्चे कैसे। तो उसने बताया कि मेरी माँ हर महीने चौथ का व्रत करती है और उसी के कारण मेरा ये संकट दूर हुआ है। तो राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि हर कुंवारी कन्या और शादीशुदा औरतें चौथ का व्रत करेगी, हर महीने की चौथ का व्रत करेगी और हर महीने की चौथ का नहीं तो कम से कम 4 चौथ का व्रत अवश्य करेगी। हे चौथ माता, जैसा उस औरत के बेटे को दिया वैसे सबको देना। सुनता ने उकारा बरता ने सबने।